हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यास्मीन लियाकत व्लॉग्स। सो आज की इस वीडियो ये है हेयर फॉल पे, हेयर लॉस पे, जिन लोगों के हेयर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं या फिर गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों के लिए मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर से। सो आप लोग भी इसको यूज़ करें और इसकी प्राइसिंग, इसकी कंपनी, इसकी ब्रांडिंग मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, इसको यूज़ कैसे करना है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ऑलराइट, सो मेरे पास ये है प्रोडक्ट और ये सईद गनी का प्रोडक्ट है, हेयर ग्रोथ वाटर, और ये ऑलमोस्ट तीसरी बॉटल है और ये मेरी फिनिश हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतनी सी बॉटल मेरे पास रह गई है। सो हेयर फॉल को रोकने के लिए कुछ टिप्स होती हैं जो कि अब लोग यूज़ नहीं करते हैं मोस्टली, क्योंकि हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ हो गई है, टाइम बिल्कुल नहीं होता। और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी हेयर की काफ़ी ज़्यादा केयर करें, जिस तरह से हम अपनी स्किन की केयर करते हैं उसी तरह से हेयर्स को भी ज़रूरत होती है केयर करने की। सो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको आप लोग यूज़ करें। इसको कैसे यूज़ करना है, ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से स्प्रे बॉटल आती है इसकी, ये इस तरह से इसका स्प्रे है और ईज़िली ये हम लोग इसको रूट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसको किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो जैसे हम शॉवर लेते हैं, हमारा सर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, हमारे जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, किसी भी सम की डस्ट उसके ऊपर नहीं होने चाहिए। और जैसे ही हमारे बाल शॉवर के बाद ड्राई हों तो इसको आप लोग टिप्स के ऊपर और अपने स्कैल्प के ऊपर उसको अप्लाई करें, स्प्रे करें, और बिल्कुल आपने मसाज नहीं करना। इसके अलावा जो हमारे एंड वाले हेयर्स होते हैं, नीचे वाले जो हेयर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ़ हो रहे होते हैं, तो आप लोग इसको उसके ऊपर स्प्रे करें और फिर उसको जो है ईज़िली उसको रोल करके या पोनी करके या फिर कैचर के साथ उसको पिनअप कर दें। सो उसके बाद और स्कैल्प के ऊपर आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है, ये बिल्कुल पानी की तरह होता है और बहुत ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करना, हल्का सा अप्लाई करना है, हल्का हल्का पूरे स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कर लेना है और फिर उसको अपने फिंगर से ऐसे हल्की हल्की बस उसको यूं जब्स कर देना है कि जो वाटर है एक्सेस वो नीचे ना आए, आपके हेयर के स्कैल्प में ही रहे। सो ये दो टिप्स हैं, आप लोगों ने इसको इस तरह से अप्लाई करना है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वो लड़कियां या वो बॉयज़ जिनके हेयर्स काफ़ी सेंसिटिव हैं या स्किन काफ़ी सेंसिटिव है या उनको किसी भी स्प्रे से इरिटेशन होती है, तो पहले वो अपने किसी और फ्रेंड के या फिर घर में किसी और फैमिली मेम्बर के अप्लाई करके देखे और देन वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे घर में सारे ही मोस्टली इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसके कोई भी इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई नॉन ग्रीसी है ये, कोई इचिंग आपको नहीं होती है हेयर्स के ऊपर, बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने इसको अप्लाई किया हुआ है। और इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है और इसको आप अप्लाई करें। इसके अलावा क्या रूटीन होती है, क्या टिप्स होते हैं हेयर्स को हेयर्स की केयर करने के, तो वो सिंपल ये है कि आप लोग वीक में एक दफ़ा लाजमी अपने हेयर्स को ऑयलिंग किया करें, लाजमी वीक में एक दफ़ा, चाहे जितनी भी बिज़ी रूटीन हो वीक में एक दफ़ा लाजमी ऑयलिंग किया करें। और इसको आप लोग 2 times a week यूज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह विद इन 1 month आप लोग इसको अप्लाई करने के बाद आप लोग रिजल्ट्स देखेंगे। सो मैं तो इसको, ये मेरी तीसरी बॉटल है जो कि एंड हो रही है, और इससे हेयर्स जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, और जो एक रफ़नेस आ जाती है या फिर कुछ बाल हमारे टूट जाते हैं और कुछ बाल लंबे होते हैं तो इस तरह से हमारे ख़राब हो रहे होते हैं बाल या ब्राउन हेयर्स हो रहे होते हैं नीचे से, क्योंकि जब हेयर्स की ग्रोथ जब हमारी कम हो जाती है, जब हमारे हेयर्स जो हैं वो वीक हो रहे होते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि हमारे बाल जो हैं वो ब्राउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये बेस्ट आपके पास रेमेडी है और सईद गनी के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसको आप लोग अप्लाई करें अपने हेयर्स के ऊपर, अपने स्कैल्प के ऊपर। और इसके अलावा इसकी जो प्राइसिंग है, आई थिंक कि मैंने 350 का लिया था या फिर ऑलमोस्ट 250, मुझे इसकी प्राइसिंग याद नहीं है।
वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी और इसका लिंक भी मेंशन कर दूँगी। कोई ये मेरे पास इसके कोई ब्रांडिंग नहीं है, ये कोई पेड मैं इसको नहीं कर रही, ये जस्ट मैं आप लोगों के साथ डेली जो भी मैं अपनी रूटीन में शेयर कर रही हूँ बस प्रोडक्ट्स, तो मैं जो भी यूज़ करती हूँ, मैं किसी भी कस्म के हेयर्स हो, ड्राई हों, ऑयली हों, ठीक है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन है और इंग्रेडिएंट्स भी इसके यहाँ पे मेंशन है। ये बिल्कुल हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, चाहे वो किसी भी एज का ग्रुप हो, तो वो चाहे कोई किसी भी एज में हो, वो इजीली इसको हेयर ग्रोथ वाटर ये सही धनी का यूज़ कर सकता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल तो मैं यही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ हेयर फॉल के लिए, जब मेरा दिल नहीं चाह रहा होता या मेरी ऑयलिंग जो है वो मिस हो जाती है तो इसको मैं ज़्यादा अप्लाई कर लेती हूँ, या फिर जैसे अगर मैं वीक में 2 times इसको अप्लाई कर लेती हूँ, तो अगर मेरी ऑयलिंग की जो रूटीन है वो नहीं हो पाती है तो मैं इसको 3 times भी वीक में अप्लाई कर लेती हूँ। ये बिल्कुल हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। आपका जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए आफ्टर शॉवर, आपने जब आपके हेयर्स जो हैं वो ड्राई हो जाएं तब आपने इसको अप्लाई करना है, गीले बालों में इसको अप्लाई नहीं करना। और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड बाय।